रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले कुछ वक्त से कंपनी अपना विस्तार काफी तेजी से भी कर रही है। इसी के चलते रिलायंस ने कई कंपनियों को एक्वायर किया है। ये काफी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन अब ये रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और इनके रेट भी 50 रुपए से कम है। इन कंपनियों को रिलायंस ने स्ट्रैटेजी के तहत खरीदा है, ऐसे में ये कंपनियां काफी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आज आपको ऐसी चार कंपनियों के बारे में बताते हैं जो रिलायंस की कंपनियां हैं अब, और इनके जो रेट है वो 50 रुपए से कम है। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि तीन कंपनियों के रेट तो 20 रुपए के आसपास है। तो चलिए आपको बताते हैं। पहली है हाथवे भवानी केबल टेल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। आज का जो रेट है वो 19 रुपए है। एक महीने में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 3.37% नेगेटिव दिया है, लेकिन तीन महीने का अगर हम रिटर्न देखें इस कंपनी का तो 15.42% का है। एक साल का रिटर्न 4.10% है और तीन साल का रिटर्न है वो है 1.55%। अगला है हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। इसका जो आज का रेट है 20 रुपए है। एक महीने का रिटर्न 9.37% है। अगर हम हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के तीन महीने का रिटर्न देख ले तो 30.16% है। एक साल में कंपनी ने 24.45% का रिटर्न दिया है, और वहीं अगर हम तीन साल का रिटर्न देखें तो ये नेगेटिव है 33.83%। अगला है आलोक इंडस्ट्रीज। आज का रेट 19 रुपीज है। एक महीने का 0.52 नेगेटिव है। तीन महीने का 19.69% रहा है। एक साल का 27.24% रहा है। तीन साल का जो रहा है वो 16.01% का रहा है, ऑल्दो ये भी नेगेटिव में रहा है। अगला है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। आज का रेट 46 रुपीज है। एक महीने का रिटर्न 0.97% नेगेटिव में रहा है, लेकिन तीन महीने का 7.58% पॉजिटिव है। एक साल का 31.11% और तीन साल का देखें तो 65.71% का रिटर्न रहा है। तो ये सभी रिलायंस के द्वारा एक्वायर की गई कंपनियां हैं जो रिलायंस से अब जुड़ी हुई है। इनके शेयर प्राइसेस हमने आपको बताए और साथ ही आपको हमने तीन साल तक का रिटर्न भी बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देता है कि आप जब भी कहीं पर निवेश करें या आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, शेयर मार्केट में निवेश करें, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। उसके अलावा अपने खुद की रिसर्च भी आप जरूर कर लें। अगर आप पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी सारी खबरें जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें गुड रिटर्न्स के पेज को।